टॉमी जब तुम्हें काटेगा ना तुम्हें लक पता जाएगा। फिलहाल तो मैं प्ले भी जीवन उड़ते फिरो मस्त गगन में ये वाला तुम नहीं मुझे भेजा था और मैं इसका आप लोगों को राज बताऊंगी। दिल है फखर जो टट्टी की टक्कर होने वाला तो रुक जा। और ये रात को साहिब साहब जो है हमारे साथ सोए थे, इनसे जितना हो पाया उतना उन्होंने हमें तंग किया है। कोशिश सिर्फ इनकी यही थी कि ये मेरे साथ किस तरीके से घुस के सो सके। ये बहुत मासूम बने बैठे हैं। नींद से उठने के बाद सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, मैं अपना फेस वॉश क्लियर करके आप लोग के सामने आती हूँ। तो मिल्की और मैंने जो है फेस वॉश कर लिया, अब कर लेते हैं घर को साफ जल्दी से। अभी मैं जा रही हूँ चेजा पसंद है मेरी दोस्त है, मुझसे कुछ मंगवाया है अहमदपुर से, तो मैं उसके लिए भी लेके दूंगी यहाँ से कुछ चीज़। ये भी आज ही करवाना है। ओहो, तो मुझे अम्मी ने बुला लिया था, अम्मी ने बोला पहले मेरी वीडियो भी मैं नैना के सर में तेल डाल रही हूँ। बड़ा जोर लगाया, मैं लगा रही हूँ नैना को तेल, नैना के सर में है दर्द। क्यों टेंशन लेती हो, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। मैं ना बजाओ, कौन से मेरे सर में दर्द है? सर में दर्द है ऐसे कोई बिल्ले को लेके घूम रही हो, क्या कर रही हो? कभी कुत्ते को रास्ते में वो कर रही है, कभी कुत्ते को बच्चे को उठा। लेकिन अच्छा काम कर रही है रूबीना, अच्छा कर रही है, वो तो अच्छा है। रात को लेकिन अम्मी ने टेंशन है ना, अम्मी रात को आपने ठीक नहीं किया जो मेरे बिल्ले को भगा रही थी। मैंने आस्ता आस्ता निकाला, मैंने कहा भाग जाओ। और शुक्र है मैं टाइम पर आएगी, वो नहीं मैंने आजाद किया, आजाद। तुमने जानबूझ के किया था, तुमने कहा था क्या? अच्छा बाजी नहीं देखे, अच्छा मुझे बताओ कैसे निकल, बास्केट में सात दिन बैठा रहा पहले कैसे निकल गया? नहीं नहीं कसम खुदा की मुझे नहीं पता, वो खुद निकल गया है। देखो मैं कितने अच्छे तरीके से मैं नैना को तेल लगाती हूँ। अम्मी ये मत करो, वही अच्छा था बस वो। हाँ। ये वाला अब सबसे मुझे नैना से बहुत प्यार है, सब बच्चों में से नैना मुझे प्यारी है। हाँ, और मुझे बोलेगा मैं सिखाती हूँ। तो अभी मेरे पूरे मुंह के ऊपर जो है तेल लग चुका है, मैं अपने तेल को हटा के मुंह धोकर फिर जाती हूँ उधर। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चेज़ अप, यहाँ से मैंने कुछ सामान है ना, तो मुझे यहाँ पे देख के पता नहीं फ्रॉक्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आता। अच्छा जब आप चेज़ अप में आते हो ना, यहाँ पर आपको ना बहुत सारी क्वांटिटी में ना जो आपको फ्रॉक्स मिलेंगे, ये वो फ्रॉक्स है जब मैं यहाँ से लेकर बनी थी। आप कहते हो कि कहाँ से ले, यहीं से लेती, 1500-2000 तक आप लोग को ये मिल जाएंगे। इनका कपड़ा भी अच्छा होता है काफ़ी, मतलब ये रिजनेबल होते हैं, घर में पहन काफ़ी अच्छे होते हैं। खैर हम अभी चलते हैं अंदर, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, खासतौर सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा है तब रिंग के लिए, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा अभी ना मैं यहाँ से देख रही हूँ सूट प्राइस है, वैसे ये आपकी होलसेल लगा दो 1800 रुपए में, और कपड़ा तो अच्छा है। नहीं नहीं इसमें नहीं, वो लॉन के कपड़े में चाहिए, लॉन के हैं। यहाँ से दिखा तो रहे हैं भाई, ये लॉन के हैं, ये लॉन के हैं, ये लॉन के हैं। शाहरुख ने ना मेरे एनिवर्सरी का जो गिफ्ट है उसको तोड़ दिया है, तो उसके बदले ये मुझे आज यहाँ से दिला के दे रहा है खूबसूरत सा फ्रॉक। मुझे लाइमलाइट बहुत पसंद है, हम लाइमलाइट में जा रहे हैं, यहाँ से ही हम कुछ पसंद करेंगे। यहाँ पे सर्दियों के कपड़े भी हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही कुछ लूंगी। तो आज ना मुझे लाइमलाइट से भी कुछ अच्छा लगा, पता नहीं ऐसा क्यों। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको सब कपड़े मुझे यहाँ से सब अच्छे लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, पहनने में अच्छे नहीं। तो मुझे अलकरम लाइमलाइट ब्रीज और आउटफिट से कुछ भी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों पसंद नहीं। इवन चेज़ से मैं पॉइंट सब देख कर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं गल्फ, गल्फ में शायद मुझे अच्छा लगता है, सर लेके जाएगा, मैं रो पिट के ले जाऊंगा इसको। तो मैं अभी आई हूँ गल्फ शॉपिंग मॉल में, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ लाजमी दिख जाएगा। बहुत चमचम कर रहा है, मुझे तो वैसे इसका अट्रैक्ट ये कर रहा है कि ये बहुत चमचम कर रहा है। तो अभी मुझे अंकल ना यहाँ पर मैं जगह पर मुझे फ्रॉक्स दिखा रहे हैं, वैसे ये शादी के लिए है बट मैं इतना चमचम लूँगी नहीं, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे इसके प्राइस क्या है? 6950 है, लेकिन मुझे ना घर के लिए चाहिए नॉर्मल सा। बाय द वे ये बहुत खूबसूरत है, ये इसके साथ का है दुपट्टा और ये इसके साथ का जो है ट्राउज़र है, इसके साथ का, इसके साथ ये दुपट्टा और इसके साथ ट्राउज़र। इसके प्राइस क्या है? तो मुझे पसंद जो आया है ये वाला आया, पता नहीं क्यों मुझे ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये डन कराना है और ले लेते हैं इसको। तो सूट तो मैंने ले लिया, इसके अलावा मैंने सोचा मैं यहाँ से खुशा भी कोई यहाँ से ले लूँ, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और ये हमारी गली का मसला कभी हल नहीं हो, जब भी हम लोग यहाँ से जाते हैं हमेशा फंस जाते हैं, या ला या हमारी गली बड़ी कर दे या हमारा घर चेंज कर दे या तो मुझे उठा ले। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं शॉपिंग करके, क्योंकि शॉपिंग से इंसान लड़कियाँ बहुत खुश होती। सूट तो आप लोगों ने देखे थे कौन सा लिया, लेकिन आप लोगों ने मेरी चप्पल नहीं देखी।
तो ये मेरी चप्पल जो मैंने ली, मुझे इतनी पसंद है ऐसे कोल्हापुरी चप्पल, इसकी देखिए सुपर सॉफ्ट है, इतनी मजे की है। सो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और अपने फेवरेट कपड़े पहन कर आऊंगी, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने चप्पल भी लिए थे अपने साथ, और पहली बार मुझे किसी सूट के साथ मेरा दुपट्टा दुपट्टा भी कैसा मेरे पसंद का दुपट्टा। तो बस जल्दी से चलते हैं और तैयार हो क्या आते ये। मैं तैयार तो हो चुकी हूँ और अभी हम लोग आए हैं जमजमा पार्क के अंदर। आप लोग को अंदर चल के अपना पूरा ड्रेस दिखाऊंगी कि कैसा मैंने किया है। ये रही हमारी प्यारी प्यारी टिकट। टिकट्स भी प्यारी होती हैं। हाँ अगर मैंने बोल दिया तो प्यारी ही होंगी। तो ये है मेरा पूरा ड्रेस, आप लोग बताएगा आप लोग कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा है, और शाहरुख तुम्हें कैसा लगा तुम बताओ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी जूती मैचिंग है ना, कब से एक जूते, सब कहते कि नैना के पास जूते ही नहीं, नैना के पास जूते ही नहीं, जूते हैं नैना के पास लेकिन वो पुराने हो गए, तब मैं ये नए ले आई हूँ। अब इनको आप लोगों को पूरे 2 महीने देखना पड़ेगा। ओ आज वो डॉगी के पास वापस जाना है। हाँ जाना है। तो भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जब मैं नए कपड़े पहनती हूँ तैयार होती हूँ बाहर जाती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी जितनी मेरे हाथ भी छोटे हैं लेकिन बहुत खुशी होती है। और देखिए मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि यहाँ पे सब के सब झूले खाली हैं, तो चल के किसी झूले बैठे, उस वाले में बैठे हैं कि इस वाले बैठे हैं, तो देखते हैं सबसे ज्यादा पक्के वाले कौन। अलग सिक्योरिटी गार्ड ना है, पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन से। चलो सही सही आ जाओ, बस करो टूट जाएगा। हाँ छोड़ दो बस, उतार। नहीं उतारूंगा नहीं, तो इसको बितारना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घर अपने वापस। तो अभी हम लोग सब और मैं कर रही हूँ अभी जो है खाने कर रही है, मैं खाने जाने वाला खाना। तो अभी हम यहाँ पर बैठे खा रही हैं अमरूद, और गले में मैंने लटकाया हुआ छोटा सा हार जो कि इनको मिला था दुबई से, इनके लिए गिफ्ट आया था। अभी मैं जा रही हूँ अम्मी वापस अपने घर, ठीक है। आपने एंजॉय किया आज? वो तो उधर किया ना, अभी क्या पूछ रही हो? क्या बाजी मैं क्या बोलती हूँ इसको, की एंजॉय करे ना अपनी जिंदगी, है ना। मैं कहती हूँ तुम नहीं मुझे भेजा था, तुमने भेजा था ना, जाओ। हाँ तो फिर अम्मी आप जाओ, वो आपकी फैमिली है तो क्यों जाते। मुझे अमरूद तो खाने दो, बस करो। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, और मैंने अपने इस ड्रेस के अंदर पिक्चर जो है मैं सुबह अपलोड करूंगी, और मैं यहीं पर आऊंगी फिर से तैयार होकर, भी तो मेरे बाल भी कर लें, फिर इधर जो बैकग्राउंड मैंने पिक्चर क्लिक करूंगी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बैकग्राउंड है, मुझे कोई बात नहीं कर सकता, बैग का ही खुला हुआ था ना। तो अभी मैं और मेरी टीम हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। अब हम आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ये लो भाई खुश। अभी पिछली बार ना गलती से जो है मेरे है, मैं हार गई थी, तो इस बार जो अलीना इनकी बार बार जो मर रही है वो है गोटिया, और इनका जो चेहरा बना टॉमी। अभी इधर तो देखो टॉमी, जब तुम्हें काटेगा ना तुम्हें लग पता जाएगा। फिलहाल तो मैं प्ले भी नहीं कर रही, लेकिन मजा बहुत आ रहा है मुझे देखने में। पलटा था ना तुम, बड़ी तेजी से भाग रही। मैं कह रही हूँ दिल है फखर जो टट्टी की टक्कर होने वाला, तो रुक जा। लच्ची लड़की ने ना गेम को बहुत सीरियस लिया हुआ है, और मैं सच में चाहती हूँ कि यहाँ तो अपनी गेम में लगा, उसको फर्क नहीं पड़ा। मैं वो हूँ जो गेम खेल नहीं रही, लेकिन एंजॉय इसलिए कर रही क्योंकि ये लड़की जो है ना इसकी सिर्फ शक्ल मुझे एंजॉय करवा रही, और मुझे कुछ बहुत उछल लिया। ओह माय गॉड खाओ तो सही, अल्लाह करे 3-6 आ जाए यहीं पे बैठ जाए। 3-6 होता है, 4-6 होता है। कब से कह रही है एवरी डॉग हैज अ डे, एवरी डॉग हैज अ डे, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बोलना क्या चाह रही है, ये अपने आप को मुखातिब। मेरे शोर की क्या गई, गोटी गई, गोटी ये बोल रही है कि किसी की गोटी भी जो है इधर इधर जाए तो तुम्हें बताना नहीं है। बिल्ली रखी तुझे, डोंट टेल
तो असल में जो है ये इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इसको जो है अपनी गोटी तोड़ने का क्या है। तो मैंने कहा था किसी ने उस तो बाहर हम लोग गए थे, हम लोगों ने लूडो खेली और अभी हम लोग जाके घर वापस आए हैं। और आज जो है ना सब भी मेरी ना तारीफ कर रहे हैं स्किन की, कह रहा है कि स्किन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ग्लो कर रही है। लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोग को स्किन मेरी अच्छी लग रही है और ग्लो करती हुई नजर आ रही है कि नहीं। लेकिन शीशे में ना ज्यादा अच्छी दिख रही है, पता नहीं मेरे कैमरे में क्या मसला है। क्या मुझे ना आज खुद भी मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है और ना बिल्कुल वो मुझे ऐसा फील है जैसे कोरियन स्किन नहीं होती, वैसी वैसी मुझे लग रही है। खैर मैं पता है और मैं इसका आप लोग को राज बताऊंगी कि क्यों वैसी हो गई है अगर आप लोग बोलोगे तो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चलो हीरा बोलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम लोग मिलेंगे कल आप लोग एक नए व्लॉग के साथ और बहुत मजे के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बोल अल्लाह हाफिज।